तो हिंदुस्तान में पूरा नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पे है मुकाबला। मगर अगर से यहाँ पे बीजेपी का तगड़ा कैंडिडेट देता था तो मजा आ जाता था, बीजेपी से रहता था। मगर एमआईएम और बीजेपी का टाइप है, उसके लिए यहाँ पे डमी कैंडिडेट दिए। तो कांग्रेस का हैदराबाद लोकसभा में एमआईएम से कॉम्पिटिशन है। और रही बात आप बोले 40 साल से एक पार्टी है उसके ऊपर आप लड़ रहे हैं, तो 40 साल से जो पार्टी है वो कभी भी अंधेरा फैलाई, और इंशाल्लाह कांग्रेस सूरज लेके आएंगी। तो 40 साल के अंधेरे एक मिनट सूरज आने से चले जाते हैं, और इंशाल्लाह आवाम चाह रही कि बदलाव लाना, चेंज लाना। और 40 साल के बाद पहली टाइम कांग्रेस बोली, क्योंकि कांग्रेस और एमआईएम का अलायंस था एक जमाने में। कांग्रेस ये समझती थी कि एमआईएम हैदराबाद को डेवलप करती, एक अच्छी पार्टी है, दर्द भरी पार्टी है। पर कांग्रेस को समझ में आए दर्द भरी नहीं है, लोगों को दर्द देते और खुद डेवलप होते, खुद करोड़पति बनते। उसके बाद राहुल गांधी बोले आउटरेट आप जाइए, अब हम आउटरेट आए, हमारे पूरे कार्यकर्ता है हैदराबाद में, बेहतरीन कार्यकर्ता है हमारे, इतने तगड़े कार्यकर्ता है। मगर अलायंस था 40 साल से, वो मायूस थे, अब जैसा पता चला आउटराइट जाना है तो वो खुल खुल के आ रहे। आप कल देखिए बहादुरपुरे में सरों का समंदर था जलसे में, आज मैं आया यहाँ पे गौलीपुरा है, गौलीपुरा वहां से चौरस्ते से मंदिर के पास बेहतरीन वेलकम। तो आवाम चाहती बदलाव होना, और कांग्रेस से ये बदलाव आता, क्योंकि बीजेपी जो हुकूमत है उनके एक भी वादे पूरे नहीं करे, केसीआर साहब है एक भी वादे पूरे नहीं करे, और एमआईएम पार्टी तो वादा करती ही नहीं। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो रहता, टीआरएस को एक मैनिफेस्टो रहता, एमआईएम पार्टी को मैनिफेस्टो ही नहीं रहता। और पब्लिक कभी पूछी साहब आपको वोट डाल रहे आपका मैनिफेस्टो क्या है, कभी पब्लिक ने पूछी, क्योंकि पब्लिक का उसको अंदाजा ही नहीं है। सो जितने भी तीन भी पार्टियां हैं उनका एक मैनिफेस्टो में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए आवाम कांग्रेस की तरफ देख रही है। जब कांग्रेस इतना खुल के आउटरेट आ रही है तो फिर क्या रीजन है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है दूसरे पार्टियों में शमूलियत हासिल कर रहे हैं? कार्यकर्ता शमूलियत हासिल कर रहे हैं मैं आपकी बात को नहीं मानता हूँ, कांग्रेस के लीडर जा रहे हैं वो बात मानता हूँ। एमएलए मिनिस्टर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये टेम्पररी है, जो परमानेंट चीज है वो हमारा कार्यकर्ता है, और कांग्रेस की मजबूती हमारा कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस का कैसा है मालूम, सिकंदर की तरह। सिकंदर बोलते अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सबसे ज्यादा दुनिया में जीता और बहादुर, वैसा हमारा कांग्रेस का के सिकंदर है ये। और ये सिकंदरों के ऊपर कुछ कहना चाह रहा हूं, जो कल कहा सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता, तारा टूटता भी है तो जमीन पे गिरा नहीं करता, हजारों दरियाएं एक समंदर में गिरा करते मगर एक समंदर कोई दरिया में नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। पार्टी प्रेजेंट है यहाँ पे, एमपी कैंडिडेट जो भी लड़े हैं मैं बोगस वोटों से वो लोग जीते, तो आप ये बोगस वोटों को हटाने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए बोगस वोट जब मैं 2009 चुनाव हारा था नामपल्ली से पहली टाइम, मैं बोगस वोटों का जिक्र करे तो लोग समझते थे कि अरे भाई फिरोज भाई बहुत बोल रहा, इतने लाखों वोट रहे थे क्या। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को रिमांड करे केस, इलेक्शन कमीशन को ऑन रिकॉर्ड बुलाए, और इलेक्शन कमीशन कबूल करी कि हाँ साहब हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर और नामपल्ली के अंदर। हैदराबाद में कितने वोट है बोल के कबूल करी मालूम, डुप्लीकेट डबल वोट 5,21,000, नामपल्ली में 90,000, ग्रेटर हैदराबाद में 11 लाख और पूरे तेलंगाना में 29 लाख। कबूल करके हाईकोर्ट को ये बात बोली हम इसको डिलीट करते, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स करते और इलेक्शन आई जब तक हम साफ करते। उसके बाद में हाईकोर्ट को जब हम जाके रुजू हुए और बोले साहब इन लगा अभी चेंज नहीं करे, ओनली 10% डिलीट करे, तो हाईकोर्ट पलट के बोली
इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया, अब हम ये प्रोसेस में हम नहीं आ सकते, इलेक्शन के बाद देखेंगे। इलेक्शन कमीशन दिल्ली को 10 टाइम बोले, स्टेट सीओ रजत कुमार को 100 टाइम बोले, सुप्रीम कोर्ट को बोले, हाई कोर्ट को बोले, तो हमारे को ये समझ में आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ तेलंगाना और हाई कोर्ट, उनको दिलचस्पी नहीं है वोटा हटाने की। मगर हम हमारा आंदोलन जो है और जो हमारा संघर्ष है एज ए यंग लीडर करते रहेंगे। आज वोट नहीं निकले, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम निकाल देंगे और 2024 जब इलेक्शन आएगा पूरे साफ सुथरे हम करेंगे, पर हम कोशिश तो बराबर कर रहे हैं। नामपल्ली से आप कंटेस्ट कर रहे हैं लेकिन 2018 में आप वो भी चुनाव हार गए, तो आपको क्या लगता है कि इस बार हैदराबाद से आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो आप जीत सकते हैं या नहीं? कभी भी सिर्फ एक क्वेश्चन है। नहीं नहीं, आप कभी भी एक बात याद रखिए, सबसे ज्यादा कुर्बानी का जज्बा मेरे में है और कांग्रेस का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं, और सबसे बड़ी बात गंगा जमुना की तहजीब रखने वाला एक हिंदुस्तानी हूं, उसके लिए राहुल गांधी मेरे को दिए ये सीट। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पब्लिक के जज्बा आपके ऊपर आपके ऊपर इतमाद है, आप ईमानदार है, काफी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको हराने के लिए भी कुछ पॉलिसी अपना रहे हैं, कुछ अपने पैसों का भी इस्तेमाल कर, इसके लिए आपसे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके सुनिए, वो नॉर्मल है साहब, MIM चुनाव जीतती गुंडागर्दी से, रोडिज्म से, बोकसोट से, और ये हैदराबाद में होने का है। बट हम जहां तक हमारी कोशिश है हम उनकी रिगिंग रोकेंगे, उनके गुंडागर्दी को रोकेंगे और आवाम में हमारे डेवलपमेंट के बारे में प्रचार करेंगे। आवाम होती है जो वोट डालती, तो उनका दिल बदलना है। नहीं भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आवाम को चेंज कर सके, अभी आप चेंज लो लेवल पे नहीं कर सके। लो लेवल पे आप नहीं कर सके, जैसा कि लास्ट टाइम पे मैं असदुद्दीन सवाल से बोल करा कि बीजेपी अगर सेंटर में आई तो कांग्रेस की गलती है, तो मैं पूछा था उनसे आपकी गलती नहीं है क्या? तो मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ कि लो लेवल पे जब आप नहीं आ सके, लास्ट टाइम भी लो असेंबली में नहीं आ रहे। देखिए, आपकी कभी भी कोशिश कामयाब रहती, समझे आप, वादे अक्सर फेल हो जाते, कोशिश कामयाब रहती। अगर से हमारे फ्रीडम फाइटर्स सोचते कि 200 साल से इंडिपेंडेंस नहीं आया, तो सुनिए व्हाट यू हैव डन, मैं बोलूं कि ऐसा क्या नया लाया कि पब्लिक अब आपको वोट देंगे? दैट्स करेक्ट, आप जो बोल रहे हो, मैं पूछा नया क्या लाया कि पब्लिक में ये सेंस आएगा? ओके मैं क्यों बोले तो इतना बीजेपी जैसा बोले कि इतना करप्ट करिए तो कर दी ना, तो भी गुजरात आज जोश इसलिए आ रहा कि पूरी गलतियां करी, चाहे बीजेपी रहो या TRS, और आवाम अल्टरनेटिव देखे। तो मैं आपको अभी एक बताया कि अगर से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हटाना है तो कौन सी पार्टी है? सिर्फ एक कांग्रेस है। और आप लेटेस्ट 2016 या 17 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे देखा, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब आजादी हुई थी 70% गरीबी थी, और 2011 और 2012 तक 48% गरीबी खत्म हुई, ओनली 22% गरीबी है, और वो 22% गरीबी को निकालने के लिए कांग्रेस ये स्कीम लाई, मिनिमम इनकम गारंटी जो पोरेस्ट और पुअर को 72,000 देने का। तो आप नरेंद्र मोदी का अल्टरनेटिव कौन है? कांग्रेस। और आज हैदराबाद के अंदर अल्टरनेटिव कौन है? कांग्रेस। एक जमाने में हम डमी हुआ करते थे जब अल्टरनेटिव नहीं थी, जैसा आज बीजेपी हो गई। आज की आवाम या तो असदुद्दीन को लाना या तो कांग्रेस को लाना, तो 40 साल से तो उनको आप देख रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि 5 साल आप हमारे को देख लो। आप एक गरीब आवाम, काबिल आवाम, शरीफ आवाम के करोड़पति लीडर है, आप एक टाइम कांग्रेस को दे देंगे, ये गरीब आवाम को हम डेवलप करते, अमीर बनाते, जिसके पास काबिलियत है, और उसका जो लीडर रहेगा इंशाल्लाह उन्हें गरीब रहेगा, आवाम अमीर हो जाएंगी। एक 5 साल का तो चांस देंगे। चुनाव होते साहब बात याद रखिए, आप आपके मेरिट से ज्यादा एंटी इनकम्बरेंसी इंडिया में प्ले करती, सो एंटी इनकम्बरेंसी आज नरेंद्र मोदी के पास है, एंटी इनकम्बरेंसी TRS के पास है, एंटी इनकम्बरेंसी MIM के पास है, कांग्रेस पावर में नहीं है, तो अल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस हुई। तो बराबर हम उम्मीद कर रहे हैं और लोगों में फर्क देख रहे हैं। हम जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं, भाई आप कुछ करना,
इल्ला तो कुछ नहीं करे तो पब्लिक में एक चेंज है और इंशाल्लाह ये चेंज 11 तारीख को देख ले। असदुद्दीन के नॉमिनेशन पेपर्स में अगर से घपला नहीं होता उन अकबरुद्दीन से नहीं दलवाते। पॉइंट नंबर नोट करिए आप, अगर से इन लोगों को लड़ने का जज्बा होता तो अकबरुद्दीन सिकंदराबाद एमपी को डालना, अकबरुद्दीन जाके कांत भी मुराबाद या महाराष्ट्र में जाना था। अकबरुद्दीन सिर्फ भाई के सीट पे कहीं को डाले, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने डाले उनकी प्रॉपर्टी उनकी बीवी के नाम के ऊपर है और वो 11 करोड़ की है, उसकी गवर्नमेंट वैल्यू है 60 करोड़। और आप देखिए सबसे ज्यादा बोकस वोट हैदराबाद एमपी हलके में है और पूरी दुनिया बोकस वोटों के बारे में बात कर रही, पर एमआईएम पार्टी बोकस वोटों के बारे में नहीं बात कर रही। असदुद्दीन और उनकी फैमिली का वोट राजेंद्र नगर में है जो चेवल्डा एमपी हलके में आता, और खैरताबाद में सिकंदराबाद एरिया में है, तो बोकस वोटा वादी है उनके। तो ये बीजेपी कंप्लेंट कर चुकी है इलेक्शन कमीशन को, ये जैसा कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पास गया पाजुक से अकबरुद्दीन आके बैकअप प्लान के वैसा डाल दिए। पक्का असदुद्दीन ओएसी के नॉमिनेशन पेपर्स में खपला है, ये खपलों को नहीं पकड़ना बोल के इन्हों बीजेपी से कभी भी टाई अप करते, नहीं तो बीजेपी अब तक इनको फिनिश कर देती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास सीबीआई रही थी, प्रधानमंत्री के पास एनफोर्समेंट रही थी, ईडी रही थी, और प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते। तो ये इनला पहले केसों में अकबरुद्दीन के ऊपर 14 केसेस, कोई केस ट्रायल पे आता नहीं, इनके कोई भी इशू बाहर नहीं निकलती। तो जो भी पार्टी पावर में रहती चाहे वो दिल्ली रहो चाहे वो स्टेट रहो, इनला जाके उनके गोद में गिरते। आप ये बात याद रखिए, नॉमिनेशन पेपरों में घपला है, 100 टाइम्स घपला है।